الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ये सूरतुल अंबिया की 11 नंबर की आयत करीमा है। अल्लाह ताला के पाक इरशाद का खुलासा है और कितनी बस्तियां जिनके रहने वाले लोग जालिम थे, हमने उनको पीस डाला, तबाह कर डाला, और उन बस्तियों को तबाह करने के बाद हमने दूसरी कौमों को पैदा किया। पिछले जमाने की तारीख और इतिहास बयान हो रहा है। बहुत से शहर, बहुत से मुल्क, बहुत सी आबादी जहाँ के लोग बेईमान थे, गुनाह करके नाफरमानी और जुल्म करने वाले थे, अल्लाह ने उन लोगों को तबाह कर दिया, बर्बाद करके ख़त्म कर दिया। और जालिमों को ख़त्म करने के बाद अल्लाह ने वहाँ पर दूसरी कौम के लोगों को पैदा किया। فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ सो जब उन्होंने हमारे अजाब की आहट महसूस की, सो जब उन्होंने हमारे अजाब को आता हुआ देखा, तो वो उस बस्ती से निकलकर भागने लगे। यानी जालिम लोग जब उन पर अल्लाह ताला का अजाब आना शुरू हुआ तो बस्ती छोड़ छोड़ करके भागने लगे ताकि अजाब से बच जावे। ला तरकुदु वर्जिउ इला मा उतरिफ्तुम फीह वर्जिउ इला मा उतरिफ्तुम फीह व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसअलून। उनको कहा गया भागो मत, और ऐश के सामान की तरफ जो तुमको दिया गया था, और तुम्हारे अपने मकान की तरफ वापस चले आओ। जिन जगहों में तुम लोग ऐश करते थे, अय्याशी करते थे, और तुम्हारे मकानों की तरफ वापस चले जाओ ताकि तुमसे सवाल किया जाए। यानी अपने आलीशान बंगले, अपने पार्टी प्लॉट, अपने फार्म हाउस, अपने थिएटर जहाँ रह कर के मौज मजे करते थे, वो छोड़ के भागते क्यों हो? रहो वहीं पर, यहीं पर इत्मीनान से रहो। तुम ये समझते थे कि हमारा बंगला, हमारा महल, हमारा फार्म हाउस, हमारा पार्टी प्लॉट, हमारा थिएटर हमको यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तो रहो वहाँ, भागते क्यों हो उसको छोड़कर ताकि तुमसे सवाल किया जावे। तुम कौम के बड़े समझे जाते थे, लीडर समझे जाते थे, मुश्किली और तकलीफ में लोग तुमसे मशवरा मांगने आते थे। लिहाजा आज जब बड़ा अजाब आया, मुसीबत आई,
तो भागने के बजाय घर में रहो, ताकि लोग मुश्किल में तुम्हारे पास आवे, मुश्किल का हल पूछे और तुमको पूछे कि भाई ऐसे हालात में क्या करना। रहो ना, भागते क्यों हो। गोया इस आयत के अंदर उन लोगों को तारीफ की जा रही है कि तुम्हारा सामान, तुम्हारा मकान, तुम्हारे बंगले, जिस पर तुमको नाज था, फखर था, अजाब आने के बाद कुछ भी नहीं रहा, दोस्तों का नामो निशान भी नहीं रहा, नौकर चाकर खादिम उनका भी कोई नामो निशान नहीं रहा, जो हर वक्त तुमको पूछते थे सेठ ये लाऊं, ये खिलाऊं, ये पिलाऊं, क्या लाऊं, क्या ऑर्डर है, वो सब मिट गए, नामो निशान किसी का बाकी नहीं रहा। बल्कि लोग तुमके तुम्हारे पास आते थे, तुम्हारी महफिल में आते थे, तुम्हारी मजलिस में आते थे, वो भी सब भाग के दूर हो गए। आज कोई तुम्हारे पास आने के लिए तैयार नहीं है। जब मुसीबत आती है तो कोई किसी का नहीं होता। कालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। जवाब में वो कहने लगे, हाय अफसोस, यकीनी बात है कि हम ही जालिम थे, यानी हमारी कम बख्ती के हम लोग जालिम थे। फमा जालत तिल्क दावाहुम हत्ता जअलनाहुम हसीदन खामिदीन। जवाब में वो लोग कहने लगे, हाय अफसोस, यकीनी बात है कि हम ही जालिम थे। उनकी यही पुकार बराबर जारी रही, उनका यही शोर व गुल बराबर चालू रहा, उनकी यही फरियाद बराबर चालू रही, यहाँ तक कि हमने उनको कटी हुई खेती बुझी हुई आग की तरह फना करके रख दिया। यानी जब अल्लाह का आजाब आया तो उस वक्त के ऊपर शोर मचाते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पुकारते रहे, हम जालिम हैं, हम कुसूरवार हैं, हमने गलती की। लेकिन अजाब आने के बाद शोर करने का क्या मतलब। अल्लाह का अजाब आया आया, यहाँ तक कि वो मर के ठंडे हो गए, जैसे कि आग ठंडी हो जाती है, इस तरीके से वो लोग मर के ठंडे हो गए, उनका शोर गुल बिल्कुल खत्म हो गया। बास तफसीर की किताबों में लिखा है कि ये यमन का किस्सा है। यमन के अंदर हदूरा कुलाबा नाम के शहर थे। अल्लाह ताला ने उस शहर वालों के पास अपने एक रसूल भेजे, जिनका नाम किसी किताब में मूसा इब्ने मीशा, किसी किताब में शुएब लिखा हुआ है। ये फिरौन वाले, फिरौन के जमाने के, हजरत मूसा के अलावा कोई दूसरे मूसा है, और मदियन वाले हजरत शुएब के अलावा कोई शुएब है। लेकिन ये कुलाबा और हदूरा शहर वालों ने अल्लाह के रसूल को कत्ल कर डाला। अल्लाह ताला ने बुख्त नस्सर नाम का काफिर जालिम बादशाह उन पर मुसल्लत किया, जिसने उनको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। यही बुख्त नस्सर जालिम बादशाह, उसने यमन वालों को भी बर्बाद किया, और फलस्तीन खुद के रहने वालों ने जब अल्लाह की नाफरमानी की तो उनके ऊपर भी अल्लाह ने इसी जालिम बादशाह को मुसल्लत किया था। जालिम बादशाह का मुसल्लत होना ये भी अल्लाह ताला का एक अजाब है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। और आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान में है, हमने इसलिए नहीं पैदा किया कि हम कोई खेल करना चाहते हो।
इतना बड़ा आसमान और इतनी बड़ी जमीन अल्लाह ने फालतू और बेकार नहीं पैदा की। बाज़ मर्तबा इंसान फारिग बैठता है, नौरा बैठता है, काम नहीं होता, कुछ न कुछ करता है, कुछ न कुछ बनाता है। आजकल जो मेंटलों के पागलों के जो डॉक्टर होते हैं और जिनको डिप्रेशन वगैरह रहता है, वो डॉक्टर लोग भी ये सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं कि फारिग मत बैठो, खाली मत बैठो, उससे तुम्हारा डिप्रेशन बढ़ जाएगा, कुछ न कुछ काम करो। तो आदमी बाज़ मर्तबा फारिग होता है तो अपना टाइम पास करने के लिए कुछ बनाता है, कुछ काम करता है, गार्डनिंग करता है, पौधे लगाता है और कुछ काम करता है। तो लो इस आयत में ये समझाया, नऊज़ुबिल्ला नऊज़ुबिल्ला नऊज़ुबिल्ला, ऐसा मत समझो कि अल्लाह फारिग थे, अल्लाह के पास टाइम पास करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, इसीलिए अल्लाह ने आसमान और ज़मीन बनाया। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ने इतने बड़े ज़मीन और आसमान को हिकमत से भरा हुआ बनाया है, मसलहत की बुनियाद पर बनाया है। ये पूरा आसमान और ज़मीन अल्लाह के एक होने को बतलाता है, अल्लाह की कुदरत को बतलाता है। ये आसमान और ज़मीन इंसानों की खिदमत कर रहे हैं, जिन्नातों की खिदमत कर रहे हैं, और इंसान और जिन्नात को अल्लाह की इबादत और अल्लाह की बंदगी करना है। इतने बड़े मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया। मुसलमानों, अगर तुम लोग अपने आप को फारिग समझो, रिटायर्ड समझो, कोई काम न हो, तो याद रखो मुसलमान कभी बेकार और रिटायर नहीं होता। कुरान पढ़ो, जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, नफिल नमाजें पढ़ो, छूटी हुई नमाजों की कज़ा करो, अल्लाह को याद करो, दीन की बातें सिखाओ, दीन की बातें सिखलाओ, कुरान की तिलावत, कुरान की तफसीर पढ़ो, सुनो। कितना बेहतरीन हमारे लिए वक्त का मशगला अल्लाह की तरफ से मिला है। काम में वक्त भी लगेगा और जो है सवाब भी मिलेगा, अल्लाह से ताल्लुक भी मजबूत होता चला जाएगा। देखो, दुनिया में बहुत सारे काम हैं, यहाँ लहू और लईब दो लफ्ज आए हैं, ऐसे काम जिसमें कोई सही मकसद न हो, ऐसा काम जिसमें सही या गलत कोई मकसद न हो। तो जिस काम में कोई सही मकसद न हो वो काम लईब कहलाता है। जो काम में सही गलत किसी तरह का कोई मकसद न हो, खाली टाइम पास वक्त गुजारी हो, उसको लहव कहा जाता है। तो इस दुनिया को अल्लाह ताला ने बेकार नहीं बनाया, इस अल्लाह ताला ने इतने बड़े आसमान और इतनी बड़ी ज़मीन को अल्लाह ताला ने अपने कमाल से बनाया है, ताकि अल्लाह के एक होने को लोग देख ले, अल्लाह के एक होने को समझ ले और एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जावे। لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين। अगर हमको खेल ही बनाना होता तो हम अपने पास की चीजों में से ही खेल बनाते, अगर हमको ऐसा ही करना होता। यानी अगर हमको कुछ टाइम पास करना होता, बिजी होना होता, कुछ खेल तमाशा करना होता, तो अपने पास जो चीजें हैं उसमें से हम कोई चीज को खेल तमाशे के लिए बना लेते। लेकिन अल्लाह की जात हर ऐब से पाक है, हर खेल तमाशे से पाक है, हर बेकार चीज से पाक है, और हर तरह की लगवा लहीब लहव से अल्लाह की जात पाक है। अल्लाह ताला की जात के लिए कुरान की दूसरी आयत में फरमाया, कुल यौमिन हुवा फी शान। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की जात बड़ी जो है कुदरत वाली है,
और अल्लाह ताला की शान बड़ी निराली है, बड़ी निराली है, बड़ी निराली है। بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں سو وہ حق اس باطل کا سر پھوڑ ڈالتا ہے تب وہ باطل ایک دم ملیامیٹ ہو جاتا ہے اور جو بے بنیاد باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے تم بناتے ہو اس سے تمہارے لیے ہی خرابی ہے، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ حق سچائی کو باقی رکھتے ہیں، باطل کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو غالب کرتے ہیں، باطل بات کو مغلوب کرتے ہیں۔ اللہ حق بات کو اونچا کرتے ہیں، باطل بات کو اللہ نیچا کرتے ہیں۔ حق بات کو اللہ چلاتے ہیں، باطل بات کو اللہ تعالیٰ نیست نابود کر کے مٹا ڈالتے ہیں۔ دیکھیے یہ دونوں آیتوں میں دھیان سے سمجھو۔ پہلی آیت میں فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا، اس آیت میں فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی مشغلہ، کوئی ٹائم پاس، کھیل بنانا ہوتا تو زمین آسمان کی چیز کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے کھیل تماشا کی چیز اپنے پاس ہی سے بنا لیتے، لیکن دنیا میں بھی عقل والا آدمی، ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی کبھی بھی فالتو کام کرتا نہیں ہے، بیکار بناتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے حکمت والے، بڑے قدرت والے ہیں۔ یوں بھی تفسیر کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ یہودی لوگ، یہ عیسائی لوگ بیوی بچے کی بات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر بیٹا بنانا ہوتا، اولاد بنانی ہوتی تو انسان میں سے کیوں بناتے؟ اپنے پاس سے اللہ کوئی مخلوق بنا کر کے اس کو اپنی اولاد بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق اور باطل میں امتیاز کرتے ہیں، حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں، سچائی اور جھوٹ میں جدائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق کو جماتے ہیں، باطل کو جمنے نہیں دیتے ہیں۔ جس طریقے سے کوئی وزندار چیز چھوٹی چیز پر مارو تو چھوٹی چیز ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جاتی ہے، لوہے کی ہتھوڑی لے کر کانچ کے گلاس پر مارو تو کانچ کا گلاس ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جاتا ہے۔ حق کی ہتھوڑی باطل کے کانچ کے برتن پر پڑتی ہے تو باطل کا کانچ کا برتن ٹوٹ پھوٹ کر کے تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں جو لوگ بھی ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، مالکی میں ہے۔ اور جو فرشتے اس اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں وہ اس اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، آر نہیں کرتے، اور وہ فرشتے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھو آسمان زمین کی سب چیزیں اللہ کی مالکی کے اندر ہیں۔ جو آدمی بھی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی عبادت کرے گا، اللہ کے لیے غلط عقیدہ رکھے گا تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ یہ انسان ہے، جنات ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔
लेकिन जो अल्लाह के फरिश्ते हैं वो अल्लाह की इबादत से तकब्बुर नहीं करते, आर नहीं समझते, थकते नहीं हैं, रात दिन अल्लाह के जिक्र में अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। तो फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहते हैं, हर वक्त अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में रहते हैं। ए इंसानों, अगर तुम अल्लाह की इबादत नहीं करोगे तो अल्लाह की शान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इंसान दुनिया में बाज मरतबा इबादत क्यों नहीं करता? दो रीजन होती है, एक रीजन, एक वजह, एक कारण ये होता है कि जिसकी इबादत करनी हो उसका दर्जा अपने से नीचा समझता है और खुद का दर्जा बहुत ऊंचा समझता है। बास मर्तबा इंसान समझता है मेरा मकाम ऊंचा, मेरा दर्जा ऊंचा, मेरा मर्तबा ऊंचा, इसीलिए मैं दूसरे की इबादत न करूं, किसी के सामने न झुकूं। तो सुन लो इंसानों, अल्लाह सबसे बड़े हैं, सारे इंसान जिन्ना तमाम मखलूक अल्लाह के सामने बहुत नीचे हैं, इसीलिए सबसे बड़े अल्लाह की इबादत करो। नंबर दो, बाज मरतबा आदमी कंटिन्यू इबादत करने से थक जाता है। इंसान है, कमजोर है, थकता है, सोता है, खाता है, पीता है, टॉयलेट करता है। तो फरिश्ते जो है ना वो रात दिन अल्लाह की इबादत करते हैं और जो है अल्लाह की इबादत करने से वो थकते नहीं हैं। फरिश्ते को नींद नहीं आती, फरिश्तों को भूख नहीं लगती, फरिश्तों को टॉयलेट पेशाब पाखाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुन लो, जिस तरीके से हमारा सांस चलता है और सांस चलने के साथ हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इस तरीके से फरिश्ते हर वक्त सांस की तरह अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं और अल्लाह के जिक्र के साथ अल्लाह का सारा हुक्म पूरा करते हैं, सारे काम भी वो लोग करते हैं। युसब्बिहूनल्लैला वन्नहारा ला यफ्तुरून, वो रात, वो फरिश्ते रात और दिन अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ते रहते हैं और वो फरिश्ते किसी भी वक्त सुस्त नहीं पड़ते हैं, वो फरिश्ते कभी थकते नहीं हैं। अमितखजु आलिहतम मिनल अर्द हुम युनशिरून, क्या उन लोगों ने जमीन में नए माबूद बना लिए हैं कि वो माबूद मुर्दों को जिंदा करके उठा सकते हैं? नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं उठा सकते। यानी उन मुशरिकीन ने, बे ईमानों ने अल्लाह के साथ दूसरे बहुत सारे माबूद बना रखे हैं, खुदा मान बना रखे हैं, तो वो माबूद किसी को पैदा नहीं कर सकते, किसी को जिंदा नहीं कर सकते, किसी में जान नहीं डाल सकते। ये तो बेचारे बेसहारा होते हैं, पैदा करने वाले अकेले अल्लाह है। लौकान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता फसुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून, अगर इन यानी जमीन और आसमान में अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरे माबूद होते तो वो दोनों यानी आसमान और जमीन तबाह हो जाते, आसमान और जमीन दोनों का निजाम दरहम बरहम हो जाता, आसमान और जमीन दोनों खराब हो जाते। तो अर्श के रब अल्लाह ताला उन चीजों से बिल्कुल पाक है जो ये लोग उस अल्लाह ताला के लिए शिर्क बयान करते हैं। देखो एक बात समझो, कोई गवर्नमेंट हो, कोई सरकार हो, उसमें एक बड़ा चीफ लीडर, अमीर, खलीफा, प्रेसिडेंट होता है। अगर किसी हुकूमत में, गवर्नमेंट में, सत्ता में दो प्रेसिडेंट होवे तो बड़ा झगड़ा होवे। एक प्रेसिडेंट कहेगा ये लॉ होवे, दूसरा कहेगा ये कानून होवे,
एक प्रेसिडेंट कहेगा ऐसा करो, दूसरा प्रेसिडेंट कहेगा तैसा करो। तो दुनिया में हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट में दो प्रेसिडेंट हो तो कैसा तबाह बर्बादी फितना होता है। एक मस्जिद में दो मुतवल्ली हो तो एक मुतवल्ली कहेगा पंखा लगाओ, दूसरा कहेगा एयर कंडीशन लगाओ। कैसी फितने फसाद की बातें चलती रहती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी दुनिया, अगर दो या दो से ज्यादा खुदा होते तो ये जमीन आसमान दुनिया की सिस्टम सब बेकार हो जाती, फैल हो जाती, नाकाम हो जाती। इसीलिए कि एक खुदा कहता कि अभी रात होवे, दूसरा खुदा कहता अभी दिन होवे, एक खुदा कहता बारिश बरसाओ, दूसरा कहता ठंडी बरसाओ, एक खुदा कहता गर्मी होवे, एक खुदा कहता बर्फ बरसाओ, तो जो है फसाद हो जाता। और एक खुदा दूसरे खुदा के ऊपर आ जाता, दूसरा खुदा हार जाता, कभी ये खुदा जीत जाता कभी वो खुदा हार जाता, और दोनों एक दूसरे के मशवरे के मोहताज होते तो भी खुदा नहीं हो सकते। बस इस कायनात में, इस दुनिया में, इस आलम में, इस जमीन में कहीं पर भी कोई दूसरा खुदा नहीं है, अकेले अल्लाह की हुकूमत है और अकेले अल्लाह हुकूमत चलाते हैं। ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून। और वो अल्लाह ताला जो कुछ करते हैं उनसे उसका कोई सवाल नहीं होगा, और इन सब इंसान और जिन्नात से जो वो काम करते हैं उसके बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह हर काम में मुख्तार है, जो चाहे करे, लेकिन इंसान ने, जिन्नातों ने, मखलूक ने जो किया उसके बारे में अल्लाह ताला के यहाँ सवाल होने वाला है। अमित्तखज़ु मिन दूनिही आलिहा कुल हातु बुरहानकुम हादा ज़िक्रु मन मअया व ज़िक्रु मन क़ब्ली बल अक्सरुहुम ला यालमून الحق فهم معرضون। क्या इन काफिरों ने उस अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरे माबूद बना रखे हैं। गलत है, तुम इनसे कहो कि तुम अपनी दलील शिर्क पर लाओ, यानी तौहीद की बात मेरे साथ वालों की किताब कुरान में मौजूद है, और यही तौहीद की बात मुझसे पहले वालों की किताब तौरात और इंजील में मौजूद है। ये कुरान भी मौजूद है जिसमें मेरे साथ वाले, मेरे जमाने वालों के लिए नसीहत है, और तौरात और इंजील भी मौजूद है जिसमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी। ये कुरान नसीहत है मेरे साथ वालों के लिए, और जो लोग मुझसे पहले से चले आ रहे यहूद नसारा उनके लिए भी कुरान नसीहत है। उस कुरान में मेरे साथ वालों का भी जिक्र तस्केरा है और मुझसे पहले लोगों का भी जिक्र तस्केरा है। हकीकत बात यह है कि उनमें के अक्सर लोग हक बात को समझते नहीं हैं, सो हक बात को टालते रहते हैं, सो हक बात से मुंह फेराते रहते हैं। कितनी जबरदस्त बात इस आयत के अंदर बयान की गई कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं। अगर तुम अल्लाह के सिवा दूसरा माबूद मानते हो तो प्रूफ करो, दलील लाओ, कोई दलील नहीं। और ये तौहीद, अल्लाह का एक होना कुरान में भी मौजूद है और पिछले जमाने में तौरात, जबूर, इंजील वगैरह किताब आई थी उसमें भी अल्लाह का एक होना बयान किया गया है। ये कुरान अब तमाम लोगों के लिए नसीहत बन करके आया है, सब लोगों को इस कुरान के ऊपर अमल करना है। तो कुरान अब कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए नसीहत बन करके आया। तो अल्लाह का एक होना, अल्लाह की तौहीद, पिछले जमाने के अंदर नबियों ने दुनिया को सिखाई,
और आखिरी नबी भी अपने जमाने के लोगों को, कयामत तक आने वाले लोगों को ये नसीहत सिखा रहे हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो। देखो आज भी तौरात, जबूर, इंजील, ये आसमानी किताबें दुनिया में मौजूद है, उसमें तारीफ हो गई, मिलावट हो गई, लेकिन फिर भी कहीं पर ये नहीं है कि एक अल्लाह को छोड़कर दूसरे की इबादत करनी, कहीं नहीं लिखा हुआ है। हर जगह एक अल्लाह की बात लिखी हुई है, लेकिन ये इंसान अल्लाह को छोड़ करके गलत गलत चीजों पर जाता है, गुनाह पर जाता है, अल्लाह को छोड़कर दूसरी चीजों की इबादत करता है। वमा अरसलना मिन कब्लिक मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। और तुमसे पहले कोई रसूल हमने ऐसा नहीं भेजा जिस पर हमने ये वही नाजिल न की हो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, सो तुम मेरी इबादत करो। हर जमाने के अंदर अल्लाह ताला ने हर रसूल के जरिए दुनिया के लोगों को सिखाया, एक अल्लाह की इबादत करो। وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ। اور وہ کافر کہنے لگے کہ رحمان تو فرشتے کی شکل میں بھی اولاد رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے تو عزت والے بندے ہیں۔ अरब के काफिर, अरब के मुशरिक फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे, तो कहा ये फरिश्ते तो अल्लाह की इज्जत वाली मखलूक है, अल्लाह की इज्जत वाली पैदा की हुई मखलूक है, वो अल्लाह की बेटी नहीं है, अल्लाह की कोई बीवी नहीं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह की कोई औलाद नहीं। ला यस्बिकूनहु बिलकौल वहुम बिअम्रिही यामलून। और वो फरिश्ते उस अल्लाह ताला से आगे बढ़कर कोई बात नहीं बोल सकते, और वो फरिश्ते उस अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ही अमल करते हैं। यानी फरिश्ते अल्लाह की औलाद नहीं हैं, फरिश्ते तो हर वक्त डरते हैं, अदब से रहते हैं, और अल्लाह के आगे न कोई बात बोलते हैं न कोई काम करते हैं। अल्लाह की तरफ से जो बात होगी उसी के मुताबिक करेंगे, अल्लाह के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, अल्लाह के आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये फरिश्ते बड़े अदब वाली मखलूक हैं। इससे हमको सीखने को मिला कि जब मजलिस के अंदर कोई बड़ा मौजूद हो तो उसके बोलने का इंतजार करो, खुद सामने से मत बोलो। बड़ों के सामने खुद सामने से बोल बोल करना ये अदब के खिलाफ है। يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ। वो अल्लाह ताला इन फरिश्तों की अगली पिछली बातों को जानते हैं, और वो फरिश्ते किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर ये कि जिसके लिए उस अल्लाह ताला की मर्जी हो उसकी सिफारिश करेंगे। और वो सब फरिश्ते उस अल्लाह ताला की हैबत से, अल्लाह के खौफ से डरते रहते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की बड़ी अदब वाली मखलूक है, और अल्लाह ताला इंसानों के, जिन्नातों के, फरिश्तों के, अपनी मखलूक के तमाम हालात जानते हैं कि ये पैदा होने से पहले क्या थे, पैदा होने के बाद क्या है, ख़त्म होने के बाद क्या होंगे, सब अल्लाह ताला अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये फरिश्ते अपनी मर्जी से किसी की सिफारिश नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की मर्जी होगी उसी की फरिश्ते सिफारिश करेंगे, ईमान वालों की, नेक काम करने वालों की सिफारिश करेंगे। और ये फरिश्ते अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की हैबत से डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं।
وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اور بالفرض ان فرشتوں میں سے کوئی یوں کہہ دے کہ اس اللہ تعالیٰ کے سوا میں معبود ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ایسے ظالموں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. یعنی یہ فرشتے اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں بولتے، لیکن مان لو بالفرض و تقدیر، مان لو کہ اگر کوئی فرشتہ یوں کہے کہ مجھے خدا مانو تو پھر اس صورت میں اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، اور جہنم کی آگ میں ڈال کر کے اللہ اس کو خطرناک سزا دے گا. حالانکہ یہ فرشتے اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں بولتے. اے انسانوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اے انسانوں ایک اللہ کا حکم پورا کرو، اے انسانوں ایک اللہ کی نافرمانی مت کرو، اے انسانوں اللہ کے سچے پکے عبادت کرنے والے بن جاؤ. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.